हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कामरान द एजुकेटर। कुछ स्टूडेंट्स जो है लास्ट ईयर में बोर्ड एग्ज़ाम में जो है 2022 में जो है कोई रीज़न की वजह से कुछ एग्ज़ाम्स नहीं लिख पाए हैं, या तो पर्सनल सर्कमस्टेंसेस है या प्रोफेशनल सर्कमस्टेंसेस है, कोई भी रीज़न की वजह से कुछ स्टूडेंट्स थ्योरी के एग्ज़ाम्स मिस कर दिए हैं इंटरमीडिएट में या टेंथ में, या कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इंटरमीडिएट में मिस कर दिए, यानी कि अटेम्प्ट नहीं करे, नहीं लिखे है। तो क्या सर, अब 2023 में क्या सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट थ्योरी का लिख दिए तो क्या पास हो जाती है क्या, बोल के एक जो है व्यूवर हमारे क्वेश्चन करे थे। तो उसका आंसर मैं वीडियो में बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये बात की हेल्प मिल जाती है वीडियो के ज़रिए। एक स्टूडेंट का डॉट है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, इसलिए मैं आपको वीडियो में बोल रहा हूँ। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर आप लोग जो है 2022 में एडमिशन लिए या 2023 में ये साल एडमिशन लिए आप लोग, अब आप कोई भी रीज़न की वजह से जो है ये अप्रैल मई के एग्ज़ाम्स में नहीं अटेम्प्ट करें, कोई भी रीज़न की वजह से आप लोग एग्ज़ाम नहीं लिखे, चाहे थ्योरी का नहीं लिखे या प्रैक्टिकल का नहीं लिखे, या थ्योरी का लिखे प्रैक्टिकल का नहीं लिखे, या थ्योरी में एबसेंट थे प्रैक्टिकल में प्रेजेंट थे, कोई भी रीज़न की वजह से आप लोग अटेम्प्ट नहीं करें, एग्ज़ाम नहीं लिखे बोर्ड एग्ज़ाम का, तो 5 ईयर्स तक आपकी एडमिशन वैलिड रहती है। यानी कि 5 ईयर्स तक आप थ्योरी का एग्ज़ाम अगर नहीं लिखे तो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम फीस पे करके एवरी ईयर एग्ज़ाम लिख सकते हैं। 5 ईयर्स तक आपकी एडमिशन वैलिड रहती है, याद रख लीजिए। जहाँ पे भी आप लोग एडमिशन लिए हैं, जो भी स्कूल में आप स्टडी सेंटर में एडमिशन लिए, आप लोगों को फिर से एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो टॉस का एडमिशन नंबर रहता है, एक बार एडमिशन आप ले लिए, एक बार आप एग्ज़ाम लिख दिए, हॉल टिकट आ गई, तो आपका 5 ईयर्स तक वैलिडिटी रहती है। आप लोग डायरेक्ट बोर्ड को जो है एग्ज़ाम फीस पे करके भी हॉल टिकट ले सकते हैं अपने स्कूल से, याद रख लीजिए ये बात। अब कोई स्टूडेंट है 2023 में थ्योरी एग्ज़ाम लिखे हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं लिखे, तो अगले साल जो है वो लोग प्रैक्टिकल में पास होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका रिजल्ट फेल आएगा। अब कोई स्टूडेंट ऐसे है जो 2022 में एग्ज़ाम लिखे है लेकिन 2023 में जो है 2022 में एग्ज़ाम लिखे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में थ्योरी में लिखे हैं, प्रैक्टिकल में नहीं लिखे, तो उनके ऊपर अब लाजिम है कि वो 2023 के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका रिजल्ट फेल आएगा। थ्योरी एग्ज़ाम्स और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स दोनों में प्रेजेंट रहना, दोनों में पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप टॉस में पास माने जाएंगे, ये बात याद रख लीजिए। टॉस जो है वो सिर्फ 1 ईयर का रहता है, 2 ईयर्स का नहीं रहता है। बहुत स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ है, अगर आप लोग जो है टॉस SSC ये साल कंप्लीट करे, 2023 में कंप्लीट करे है, तो आपको अगर 1 ईयर का गैप नहीं है, तो आप अगर ये साल ही इंटरमीडिएट ले लिए, तो आपके लिए अरबिक या उर्दू का एग्ज़ाम जो है वो फिर से लिखना होता है, यानी कि सेकेंड ईयर में आपको फिर से लिखना होता है, अगर गैप नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं टॉस 2023 में कंप्लीट कर लिए, वही साल जो है इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं टॉस में, तो उनके लिए जो है जो ग्रुप है वो सब्जेक्ट्स तो लोग लिख सकते हैं, जैसे CEC है तो कॉमर्स इकोनॉमिक्स सिविक्स लिख सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं, लेकिन अरबिक या उर्दू अगर लिए है तो लोग नहीं लिख सकते ये साल। ये रूल है टॉस का, एक साल का गैप होना ज़रूरी है लैंग्वेजेस के लिए, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो अरबिक या उर्दू लिख सकते हैं, ये बात याद रख लीजिए। बाकी के पूरे सब्जेक्ट्स आप ये साल ही लिख सकते हैं। अब आपको पास होना है पूरे में, तो अगले साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, अगर आपके पास SSC के बाद जो है 1 ईयर का गैप नहीं है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो से आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो जरूर मिल गई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, दुआओं में जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।